हम देखते हैं कि मोरो आखिरकार टोराक के मल्टीवर्स में आ जाता है और उधर वेजिटा, ब्रोली और ट्रंक्स और बीरस गोकू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ हम राउसा को देखते हैं जो कि टेंजो और लॉक की शक्ति को लगातार धीरे धीरे सोखे जा रहा था और कहता है, तुम्हें नहीं पता सैयंस, तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम सब के सब मरोगे। पता नहीं तुमने बड़े भाई बारूका को आखिर मार कैसे दिया। मुझे लगता है कि मैंने शायद उसकी ताकत को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। ये मेरी गलतफहमी थी। मैंने ये सोचा था कि मैं उस पावर के साथ उसे हरा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े भाई भले ही उसके हाथों मारे गए हो, लेकिन मैं उसे जरूर खत्म करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि राउशा की तलाश में जा रहा होता है और कहता है, पता नहीं ये डरपोक आखिर कहाँ छुप कर बैठा हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता तुम इसके बारे में बात कर रहे थे लियो, ये तो हमसे छुपता फिर रहा है। तभी लियो गोकू के अंदर से कहता है, वो छुपता नहीं फिर रहा है गोकू, बल्कि वो अपने आप को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। हमें उसे जल्दी रोकना होगा, क्योंकि अगर उसने उनकी शक्ति को पूरी तरीके से सोख लिया तो हो सकता है शायद टेंजो और लोग दोनों ही मारे जाए। इस पे गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अब किसी को भी मरने नहीं दूंगा। ये कहने के बाद गोकू सीधा आगे की तरफ बढ़ता रहता है और उधर हम मोरो को देखते हैं जो कि बाकी दोनों के साथ उसी मल्टीवर्स में होता है और कहता है, चलो अब हमारा काम करने का वक्त आ गया। इस पे हर्ट्स कहता है, यानी कि हमें उन सभी को ढूंढ कर मारना होगा। इस पे मोरो कहता है, ये तुमसे किसने कहा कि हमें उन्हें मारना है। इस पे डारियस कहता है, मैं जानता हूँ मोरो, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इस पे मोरो कहता है, क्या बात है डारियस, तुम तो काफी होशियार हो। इस पे डारियस कहता है, मैं जानता हूँ तुम मिकोशिन की बात मानकर ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, तो हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। इस पे मोरो कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें उन सभी के जिंदा रहने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि मगोरा आखिर कहाँ है। इस पे हर्ट्स कहता है, क्या तुम उनके बेटे के बारे में भला क्यों पता लगाना चाहते हो। इस पे मोरो कहता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, हम सभी यहाँ पर राउसा के यूनिवर्स में हैं, तो हमें सबसे पहले उसे ढूंढना होगा। इस पे डारियस कहता है, लेकिन हम भला उसे कहाँ ढूंढेंगे। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो हमें कहाँ मिलेगा। इस पे हर्ट्स कहता है, तो फिर ठीक है, चलो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इस पे मोरो कहता है, हाँ चिंता मत करो, हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उधर हम गोकू को देखते हैं जो कि लगातार राउसा को ढूंढने में लगा हुआ होता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद उसे राउसा का पता नहीं चल पाता। और उधर दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो कि बीरस और बाकी सभी के साथ गोकू को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन तभी बीरस वेजिटा से कहता है, आखिर कब तक हम उसे इस तरीके से ढूंढते रहेंगे, क्या उसका पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है, बीरस मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी काफी कम है और वो लगातार कम होती जा रही है। पता नहीं क्या करोट लगता है ये जानबूझकर कर रहा है ताकि मैं उसकी एनर्जी को महसूस न कर पाऊँ, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि वो काफी दूर जा रहा है, मुझे उसकी ताकत को महसूस करने में काफी दिक्कत हो रही है। इस पे बीरस कहता है, वेजिटा क्या तुम भूल गए कि तुम एक गॉड से बात कर रहे हो। इस पे वेजिटा कहता है, बीरस शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी अब एक गॉड हूँ, समझे, तो फालतू की बकवास मेरे साथ मत करो। इस पे बीरस गुस्से में कहता है, क्या तुमने क्या कहा। ये कहने के बाद बीरस वेजिटा पे काफी गुस्सा हो जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो। इस पे ट्रंक्स कहता है, चलिए भी डैड, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। लॉर्ड बीरस, मैं अपनी डैड की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इस पे बीरस कहता है, ठीक है ट्रंक्स, देखो तुमसे ज्यादा समझदार तुम्हारा बेटा है, समझे वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझे। इस पे ब्रोली भी कहता है, वेजिटा हमें और कितना वक्त लगेगा। इस पे वेजिटा कहता है, पता नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसकी एनर्जी बार बार हट जा रही है,
लगता है वो भी काफी दूर जा रहा है। इस पर ट्रंक्स कहता है, लगता है गोकू राउसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। इस पे वेजिटा कहता है, यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है, हमें थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा तुरंत काफी तेजी के साथ आगे निकल जाता है। उसे देख कर ट्रंक्स कहता है, लगता है डैड को कुछ ज्यादा ही जल्दी है। इस पे बीरस कहता है, जल्दी उसके पीछे चलो, नहीं तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे और वो बहुत ही आगे निकल जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें राउसा को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार उन दोनों की शक्ति को लगभग 70% तक सूख चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राउसा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्या यहाँ पर कोई है? और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इस पे राउसा कहता है, क्या आखिर कौन है यहाँ पर, सामने आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि राउसा के सामने मोरो और डारियस आते हैं। इस पे राउसा कहता है, अब तुम लोग भला कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि राउसा की नजर डारियस पे पड़ती है। उसे देख के राउसा काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पे मोरो कहता है, शांत हो जाओ, समझे राउसा, तुम जैसा समझ रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। इस पे राउसा कहता है, क्या गलतफहमी मुझे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। इस पे मोरो कहता है, इसकी सिर्फ शक्ल गोकू से मिलती है, इसका नाम डारियस है समझे, और ये मेरे साथ है। इस पे राउसा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये कोई और है? लेकिन ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। इस पे मोरो कहता है, मैं जानता हूँ ये काफी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन ये सच है। खैर जाने दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी है। इस पे राउसा कहता है, लेकिन तुम लोग हो कौन? इस पे मोरो कहता है, मेरा नाम मोरो है और मैं दूसरे मल्टीवर्स से आया हूँ, और मुझे मिकोशिन ने यहाँ पर भेजा है। इस पे राउसा कहता है, क्या लेकिन तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे मोरो कहता है, दरअसल उसने हम सबको यहाँ पर तुम्हारे सारे भाइयों को मारने के लिए भेजा है। इस पे राउसा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन है, मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पे मोरो कहता है, तुम सच में बेवकूफ हो क्या? तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा? जरा ध्यान से सोचो, गोकू भला लॉर्ड टोरा के मल्टीवर्स में कैसे आ गया? क्या ये मुमकिन है? वो बिना ओमनी किंग के परमिशन के बगैर कोई भी लॉर्ड टोरा के मल्टीवर्स में आ सके? तुम बताओ, क्या मिकोशिन को ये बात पता थी कि वो इस मल्टीवर्स में था? इस पे राउसा कहता है, हाँ वो सब कुछ जानती है। इस पे मोरो कहता है, इसलिए वो गोकू के जरिए तुम सभी को मार देना चाहती है, क्योंकि वैसे भी लॉर्ड टोरा कभी नहीं जागने वाले, उनके जागने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा, और वैसे भी अब तक दो मारे जा चुके हैं। इस पे राउसा कहता है, लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेगी? इस पे मोरो कहता है, तुम खुद सोच के देखो, लॉर्ड टोरा फिर से लंबे समय के लिए सो जाएंगे, उसके बाद इस पावरफुल मल्टीवर्स में मिकोशिनी होगी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगी, फिर तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के यूनिवर्स सभी की ओमनी किंग वो बन जाएगी, और सभी की ओमनी पावर उसके पास होगी, सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा, समझे? इस पे राउसा कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भला ऐसा कैसे कर सकती है। इस पे मोरो कहता है, अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो सीधी बात है, उसे मारना होगा। इस पे राउसा कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं उसे देख लूंगा, लेकिन पहले मैं उस सैयन को मारूंगा, उसके बाद उसकी बारी आएगी। इस पे मोरो कहता है, जैसा तुम्हारा मन, लेकिन ध्यान रहे अब इस लड़ाई में जरो समा भी है, तुम्हें तो ये बात पता ही होगी। इस पे राउसा कहता है, हाँ मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने कनार को बड़े भाई अराका और सवस्ता के पास भेज दिया है, जेनोसमा को वो संभाल लेंगे और मैं इस सैयन को। इस पे मोरो कहता है, चलो ये एक अच्छी बात है, अब मुझे तुम ये बताओ कि मुझे मगोरा कहाँ मिलेगा? इस पे राउसा कहता है, तुम बड़े भाई मगोरा के बारे में क्यों जानना चाहते हो? इस पे मोरो कहता है, मेरा उससे मिलना काफी जरूरी है समझे, तुम्हें जितना जानना था मैंने तुम्हें वो सारी बातें बताई है जो शायद तुम कभी समझ भी नहीं पाते, तो अब तुम मुझे चुपचाप मगोरा के बारे में बता दो,
मुझे बस उसके पास जाना है। इस पे राउसा कहता है, ठीक है बड़े भाई, मगोरा इस मल्टीवर्स के पहले यूनिवर्स के ओमनी किंग है, वो तुम्हें यूनिवर्स 1 में मिलेंगे। इस पे मोरो कहता है, बहुत अच्छे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे राउसा कहता है, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी अनजान उनके यूनिवर्स में बिना उनकी मर्जी के नहीं जा सकता। आगे तुम्हारी मर्जी, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके यूनिवर्स में बाहर से कोई आए। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो बाकी सभी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ज़ेनोसामा को दिखाया जाता है जो कि सीधा टोराक के पास जा रहे होते हैं और कहते हैं, मुझे ये जल्द करना होगा, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फिर से राउसा को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों की शक्ति को सोखने में लगा हुआ था, और तभी फिर से राउसा को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्या तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन जैसे ही राउसा पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि उसके सामने गोकू खड़ा होता है और राउसा उसे देखकर काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम भला यहाँ पर। इस पे गोकू कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते, आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा।